कि वो गायब हुई। अरे मेरे पास है कल नाम का कल्तु भी बच्चन के लड्डू बना दिए तो गलती में डाल दिया। इबू चलता पिक्चर। अरे ये हमारा शोरी है, पानी दे 11 चाचा। ये है निक्की भैया मेरे ताऊ जी, और ये है मेरे पापा। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सुबह सुबह का टाइम है और ईवी यहाँ पे बड़े मज़े कर रही है अपने दीदी और भैया के साथ। शी इज़ लविंग इन टू मच्छरदानी। एक्चुअली उसके लिए ये नया ही एक्सपीरियंस था। तो बच्चे बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं और मेरे ख्याल से 6:30 बजे सुबह के होंगे, और खूब धूप जो है वो आ जाती है। 5 बजते ही जो है वो सूर्य देवता दर्शन दे देते हैं गाँव में। और बस अभी मैं सुबह की सफाई में कपड़े वगैरह समेटने में लगी हूँ, और आज वो दिन है जिस दिन हम लोग ससुराल से निकल जाएंगे। हमेशा यही होता था कि जिस दिन हमें यूके जाना होता था उससे 2-3 दिन पहले मैं मायके से आती थी, फिर 2 दिन ससुराल में रुक के फिर हम लोग यहीं से डायरेक्ट दिल्ली एयरपोर्ट अपनी फ्लाइट लेके हम लोग यूके आ जाते थे। लेकिन इस बार हमें कुछ मेडिकल टेस्ट कराने हैं और वो टेस्ट अवेलेबल हैं सिर्फ मेरठ में, नियर बाई सिटीज़ में अगर बोलूँ तो मेरठ में। तो इसीलिए हमें पहले मेरठ जाना पड़ेगा और फिर हम मेरठ से डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे। तो आज हम मेरठ के लिए निकलेंगे। तो आज ससुराल का ये लास्ट डे है इस बार की इंडिया विजिट का, और अगेन इट इज़ ए सैड डे। तो सुबह से ही मन जो है वो परेशान सा होना शुरू हो जाता है। अभी एक घर छोड़कर आए हैं, अब फिर दूसरा घर छोड़कर जा रहे हैं, फिर मेरठ जाएंगे, फिर दीदी के यहाँ से। तो यू नो इट इज़ ए सीरीज ऑफ सैडनेस। बट यही है कि जब देखते हैं घरों की तरफ तो तसल्ली होती है कि चलो सब आराम से कर खा रहे हैं, सब हंसी खुशी रह रहे हैं, हम फिर से आएंगे, फिर से मिलेंगे सबके साथ। पर कहीं ना कहीं दिल में बस ये रहता है जब बड़े बूढ़े होते हैं ना घर में, कि बस भगवान सबको सही सलामत रखे और अगली बार आके हम फिर सबसे मिलें। खैर, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी इस तरह से लोग परदेश में रहते हैं या देश में भी रहते हैं, बस सबके घर जो है ना, सबके घर वाले हंसी खुशी आराम से रहते रहें और सब जो है वो खुशियों के साथ ही एक दूसरे से मिले, ताकि वो कितने भी दिन में मिल रहे हों और वो कितने भी दिनों से बिछड़े हुए हों। वेल, चलिए शुरू करते हैं अपना मॉर्निंग डे ऑल काइंड ऑफ रूटीन। मिक्स्ड क्लिप्स हैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह मम्मी ने यहाँ पे दही को भिगो दिया है और इसमें से मक्खन निकाल रही थी वो, और मैं सफाई के काम में लगी हुई थी। दीदी यहाँ पे नहा धो के उन्होंने पूजा कर ली है, और दीदी सुबह सुबह ही नहा लेती है, मेरा ये होता है कि काम निपटा के नहाती हूँ। तो मैंने बेडशीट्स वगैरह सारी जो है वो ठीक कर दी हैं, और इधर जो है वो तमीला झमेला पूरा फैला हुआ है। कुछ एक सामान है जो मम्मी ने देवबंद से दिए हैं या मेरी ससुराल के लिए, जैसे कि मम्मी की दादी सास की साड़ियाँ दी हैं, और कुछ एक और कपड़े जो थोड़ा बहुत होता है ना कि बेटी ससुराल जा रही है तो जो चलता है थोड़ा बहुत, एक दूसरे का मान सम्मान रखने के लिए जो चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा बहुत जो मम्मी ने दिया, तो वो सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई थी। इसके बाद प्लान हो गया कि नाश्ते में बनेंगे आलू के पराठे। तो यहाँ पर आलू बॉयल हो गए थे, बस अभी मैं इनको ग्रेट कर रही हूँ, और पराठे जो हैं वो फिर दीदी ने बनाए थे, क्योंकि अगेन वही मैं बाकी ये जो साफ़ सफाई के काम थे, और फिर ये है कि पैकिंग भी रहती ही रहती है, एंड मोमेंट तक चलती रहती है। कितना भी आप सामान लगा लो, जहां भी जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ नया सामान जुड़ ही जाता है। तो बस वही है कि कभी पैकिंग हो रही थी, कभी बातचीत हो रही थी, कभी थोड़ा रोना धोना हो रहा था, और धीरे धीरे जो है वो अपना काम भी किया जा रहा था। और यहाँ
पे बस आलू सारे ग्रेट हो ही गए हैं और साथ साथ मैं बातें करती जा रही हूँ। और शगुन जो है वो ईवी को लेके एक्चुअली बाहर की तरफ ही खड़ी हुई थी, हवा चल रही थी अच्छी सी, तो ईवी का बड़ा मन लग रहा था बाहर खड़े होके। तो इसी तरह से बच्चे जो है ना बस वो चारों तरफ रहते ही हैं मेरे और बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे दीदी जो है वो स्टफिंग तैयार कर रही है, इसमें उन्होंने धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची और थोड़ा सा जीरा पाउडर और यहाँ पर ये थोड़ा सा हींग उन्होंने ऐड किया है। इसके बाद जो हरा धनिया है वो बारीक बारीक काट के वो इसके अंदर ऐड कर देंगी और साथ ही हरी मिर्ची ऐड करने वाली हैं। और दही निकाल दी थी मम्मी ने सुबह ही बिलोने से पहले, मक्खन निकालने से पहले थोड़ी दही निकाल दी थी। तो जिसको पराठे के साथ दही लेनी होगी वो दही ले लेगा, जिसको मक्खन लेना होगा वो मक्खन ले लेगा, जिसको चाय पीनी होगी वो चाय पी लेगा। और साथ ही जो है यहाँ पे हरे धनिए की चटनी भी बनी हुई रखी है, अगर आपको साइड में दिखाई दे रही हो। और बस सारी चीजें डाल के दीदी ने स्टफिंग जो है यहाँ पे तैयार कर दी है। और जरा मिक्स करने का आप तरीका देखें, जिस तरह से आटा नीड करते हैं उस तरीके से मिक्स नहीं करना है, उसको हल्के हाथों से बस फोल्ड करना है, उससे पराठे जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं और वो फटते नहीं है। और यहाँ पे अद्वि विकास अभी भी सोए हुए हैं, ये नहीं उठे हैं और मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम लेके बैठी हूँ। ये सूखा गोला नारियल जो होता है मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ और मम्मी यहाँ पे बेसन भून रही हैं। एक्चुअली बेसन के लड्डू बनाने थे लेकिन मम्मी को टाइम नहीं मिला तो बस वो आज ही बना रही थी। और लाड़ लाड़ में मम्मी ने इतना सारा घी डाल दिया इसके अंदर कि ये लड्डू बनाने फिर बाद में मेरे लिए थोड़े से मुश्किल ही हो गए थे। आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। तो ईवी जो है वो अपनी अम्मा की गोद में बैठी है थोड़ी देर के लिए और उस वो ना बिल्कुल एकदम से गिरी जा रही थी तो हल्का सा मम्मी ने टच कराया, बट वो ये कि सेफ्टी रखती हैं। इधर शगुन जो है वो बादाम काट रही है और उधर दीदी जो है वो पराठे बनाने में लगी हुई हैं और मैं जो इधर उधर का छुटपुट काम होता है उसमें लगी हुई हूँ। इसके बाद विकास जो है वो एक बार खेत की तरफ गए थे, थोड़ा बहुत खेत में काम है, मुझे लिटरली नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, बट आई थिंक ये ईख है, गन्ना जो है वो बोया हुआ है और शायद उसके बीच में से कुछ कूड़ा वगैरह जो निकलता है शायद वो है, बट इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं नहीं पता। और अभी आपने एक छोटी सी झलक जो है वो पापा की देखी होगी, मेरे फादर इन लॉ की, वो अभी अभी निकले हैं यहाँ सामने से। तो बस थोड़ा बहुत काम जो है वो खेत का भी चल ही रहा है और बीच बीच में जो है वो कैमरा के ऊपर उंगली भी आ रही है, आ रही है गया हुआ था साथ में और वो रिकॉर्ड कर रहा था कि चलो चाचा जी आप ये कर रहे हो तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आपको खेत की क्लिप बहुत पसंद आती है, हमारे जो खेत वाले व्लॉग थे वो आपको बहुत अच्छे लगे थे, बस इसीलिए मैंने ये वाली क्लिप जो है वो ऐड कर दी थी यहाँ पे। और यहाँ पे बेसन जो है वो अच्छे से भुन गया था, इसको ठंडा होने के लिए रखा था और इसके अंदर बादाम ऐड कर दिए थे जब बेसन अच्छे से भुन गया था, उससे जो है वो ना तो बिल्कुल रॉ रहते हैं और ना ही वो जलते हैं। और इसके बाद जो ये नारियल मैंने ग्रेट करा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बूरा, तगार भी बोलते हैं इसको, या फिर पाउडर्ड शुगर जो होती है, तो लड्डुओं के लिए यही यूज की जाती है। और ये डाल के मैं यहाँ पे इसको मिक्स ही कर रही थी और मम्मी भी फिर यहीं आके बैठ गई कि लाचल मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, बिकॉज उनको भी पता है कि मेरे हाथ में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जो टफ हार्ड चीज़ें होती हैं वो हो नहीं पाती हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो मम्मी ने आज वो वाली साड़ी पहनी है जो मैं अमृता दीदी मेरी नंद के यहाँ पे पहन के गई थी, ये कॉटन की साड़ी है बिल्कुल हल्की सी ही, तो फिर ये मैं मम्मी को ही दे के आ गई हूँ, वो अपना आराम से इसको पहनेंगे, उनके लिए कम्फर्टेबल है ये वाली बहुत। और मम्मी यहाँ पे रेडी हुई हैं एक्चुअली जाने के लिए, इनको डॉक्टर के पास जाना है और आज इनका अपॉइंटमेंट था, तो विकास एक बार मम्मी को फिर से दिखा के आ जाएंगे, जो भी इनकी दवाई वगैरह सारी आ जाएंगी और दिखाना भी हो जाएगा। तो मम्मी यहाँ पे रेडी हो गई हैं और जब तक मम्मी आएंगी हम लोग बाकी घर का जो है वो सारा काम निपटा लेंगे, फिर थोड़ी बहुत देर बैठ के अपना बातचीत करेंगे और फिर शाम को हम लोग निकल ही जाएंगे। तो यहाँ पे बेसन जो है वो सारा मैंने मिक्स कर दिया है और बहुत
कोशिश करी कि लैडल के साथ इसको मिक्स करूं मैं, बट हो नहीं पा रहा था। जब तक हाथ नहीं लगे तब तक नहीं हुआ, लेकिन हाथ लगा के ये हुआ कि हाथों से जो वो हीट जनरेट होती है उससे घी जो है वो और ज़्यादा मेल्ट होना शुरू हो गया, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से लड्डू जो थे वो बहुत ही ढलके ढलके बन रहे थे, और जो इनका एंड रिजल्ट है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, दैट इज़ द फन पार्ट एक्चुअली। और यहाँ पे आ रही है ईवी, दोनों अपना खेल कूद रहे हैं और लड्डू मैंने यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए हैं, और मम्मी कह के गई थी कि छोटे छोटे लड्डू मत बनाना, बड़े बड़े लड्डू बनाना, तो यहाँ पे मैं काफी बड़े साइज के लड्डू बना बना के रख रही हूँ, और बस आधे ही बने थे मुझसे, फिर शगुन भी मेरे साथ आके बैठ गई थी और फिर शगुन ने भी मेरे साथ लड्डू बनवाए। और यहाँ पे बस विकास ने गाड़ी वगैरह निकाल ली है मम्मी को ले जाने के लिए, और बस इसके बाद मम्मी चली जाएंगी मेरे ख्याल से, 1-2 घंटा मम्मी और को लगा था, शामली गए थे लोग दिखाने, तो बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, मेरे ख्याल से आधा घंटा लगता है, आधे घंटे से भी शायद कम ही लगता है शामली जाने में गांव से। तो बस ये लोग अब चले जाएंगे, उसके बाद फिर नहाना धोना लंच इन सब कामों में हम लग जाएंगे। और ये है पायल, एक्चुअली मैं ना शगुन के लिए ना नई पायल लेके आई थी, शगुन के लिए भी दीदी के लिए भी, बट शगुन को वो वाली पायल पसंद आ गई जो मुझे मम्मी ने छोचक में दी थी, तो फिर वो वाली मैं लाइक ये वाली जो है वो मैं शगुन को दे के आ गई, और जो मैंने शगुन के लिए खरीदी थी उनको फिर मैं यूके लेके आ गई हूँ। तो ये क्लिप्स जो है वो शगुन ने बाद में रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन से मुझे भेजी थी, देन आई थॉट कि चलिए इसी व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। और ये दीदी की नाक की लौंग है, और दीदी बिल्कुल शर्माई सी बैठी हुई है यहाँ पे, बट वही है कि एक क्लिप्स उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजी तो लगा के चलिए शेयर कर ही देती हूँ। और ये पायल और बिछवे जो हैं ये मैं दीदी के लिए लेकर आई थी, और शगुन वाली पायल जो है ना वो बहुत सुंदर है, तो वो मैं अपने यूके के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, बट उसे वो वाली पसंद आई, इट डजेंट मैटर, तो उसने वो वाली रख ली, तो अच्छी लग रही थी उसके पैरों में। और बस अब खाना वाना हो गया था, छोले बनाए थे उस दिन, और खाना खा के वी ऑल आर रेडी, और ईवी की आंखों में ताई जी ने उसकी फिर दोबारा से बहुत सारी काजल डाल दी है, बिल्कुल काली काली आंख हो गई हैं, और बस यहाँ पे निकलने की ही तैयारी हो रही है, और दीदी बस यहाँ पे हमारे शुभ के तिलक की तैयारी कर रही हैं, मिठाई रख ली है उन्होंने, टीके की तैयारी कर ली है, और बस अब यहाँ पे हमारा तिलक हो जाएगा और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो इस टाइम तक भी अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा था, बट यू नो निकलते टाइम तो फिर दोबारा से वही हालत हो जाती है। तो मम्मी भी आई हैं बस अभी निकल के आके, फिर वो नहाई धोई थी क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है ना, और फिर डॉक्टर के यहाँ से आके तो एक बार लगती है कि आके नहा धो लो, तो वो भी अपना चेंज करके आ गई हैं यहाँ पे, और सबके तिलक यहाँ पे हो रहे हैं, और ईवी सबको इतना ध्यान से देख रही थी ना कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर ईवी को जो है वो मिठाई भी मिली, तो वो बड़ी खुश हो गई, क्योंकि वैसे तो मैं उसको मीठा खिलाती नहीं हूँ, बट यही है कि घर में जब कुछ बनता है तो कोई ना कोई बस उसको चटा जरूर देता है, एंड शी इज लविंग ऑल काइंड ऑफ मीठा। बट अभी ये कि डॉक्टर मना करते हैं कि मीठा या नमकीन साल भर तक बच्चे को नहीं देना चाहिए, बट थोड़ा बहुत तो खैर चखा ही देते हैं। तो यहाँ पे ये गई मिठाई ईवी के मुंह में, जस्ट लुक एट हर टच वुड, शी लव्स ऑल काइंड ऑफ मीठा। और बस अब हम लोग चल दिए हैं, ये मेरी दादी सास हैं, माँ, और बस माँ के पैर छू लिए हैं, सभी के पैर छुए हैं, ये क्लिप रिकॉर्ड हुई है, और बस भगवान से यही है कि अगली बार जब हम आए तो माँ इसी तरह से हमें खाट पे बैठी हुई बात करती हुई हमें मिले। गर्मी उस दिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, तो बस मुँह बिल्कुल लाल हुआ जा रहा था, एंड इट इज जस्ट दैट मेल्टिंग मोमेंट जब घर से चलते हैं, सबसे विदा होती है, सबके पैर छू लिए, आशीर्वाद ले लिया, छोटों को आशीर्वाद दे दिया, गले मिल लिए, एंड आई लव ऑल माई 3 kids, ऑल माई 5, 6, 7, सो आई हैव सो मैनी किड्स। तो
बस उनको भी यही कि अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी डाइट का ध्यान रखो, अच्छे से खाओ पियो और कोई भी गलत काम मत करो, सबको बस बोल के वहाँ से। और हम लोग चल दिए और अभी अदवी आई है अपने छोटे भाई को कडल करने, क्योंकि कैमरा जो है वो शौर्य के हाथ में था, तो बस यहीं तक रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद शौर्य से भी तो गले मिलना था, उसे भी तो बताना था, बहुत चालू हो रहा है हमारा शौर्य। तो यहाँ बस शगुन को भी समझा रही थी, थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं बच्चे, ये वो एज है जिसमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो घर से निकल गए हैं और बाय बाय ससुराल, ये हमारे खेत खलिहान, और जल्दी फिर से आएंगे, फिर से विज़िट करेंगे, सबसे मिलेंगे, यही सोच के जाते हैं कि जल्दी ही आएंगे। और अदवी भी थोड़ी सी सैड थी, और थोड़ी देर बाद फिर मैंने ईवी को उसकी गोद में दिया तो उसके साथ खेल के फिर वो थोड़ी सी अपना चेयर अप हुई। तो बच्चे भी बहुत महसूस करते हैं, बहुत फील करते हैं। इसके बाद बस जैसे कि बताया था, हम लोग मेरठ पहुँच गए थे और उसके बाद चाय वाय पी, ठंडा पिया नॉट चाय, शाम का नाश्ता वास्ता हुआ। और अभी हम लोग निकल रहे हैं एक्चुअली दीदी की ससुराल। दीदी की ससुराल मेरठ के पास ही एक गांव है वहां पे, और मुझे दीदी की जेठानी जो हमारी मुकेश दीदी है उनसे मिलना था, क्योंकि जिस टाइम ईवी हुई थी उस टाइम पे उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। 3-4 महीने तक वो सिर्फ बेड पे थी, उनका बॉटम पार्ट जो था बॉडी का वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, एंड दैट वाज काइंड ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग। बस भगवान की बहुत कृपा रही कि वो बची हैं, तो उनसे मिलने जा रही थी। और जीजा जी जो हैं वो सभी को नमस्कार कर रहे हैं, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि जीजा जी क्या करते हैं, दीदी क्या करती हैं। तो जीजा जी जो हैं वो कस्टम में इंस्पेक्टर हैं, और उनकी सामने कैप भी रखी हुई थी, दीदी मेरी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो अभी हम लोग जो हैं वो गांव की तरफ ही जा रहे हैं, और पहले हमने सोचा कि चलिए यूनिवर्सिटी का एक चक्कर लगाते हैं, यूनिवर्सिटी जो है मेरठ की वो बहुत अच्छी है। तो पहले हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ गए, फिर वहाँ से निकले और उसके बाद फिर गांव की तरफ गए। तो थोड़ा सा आधा घंटा एक्स्ट्रा हमको लग गया, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी जाने का बड़ा मन कर रहा था, ये सारी चीज़ें देखना, आई लव इट। क्योंकि कुछ भी हो, लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिनकी वजह से मेरी पढ़ाई जो थी वो बीच में रह गई थी। आई एम जस्ट MSc फिज़िक्स, मुझे और भी बहुत कुछ करना था, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। मुझे लगा कि जॉब ज़्यादा ज़रूरी है, और बस फिर शादी भी बहुत जल्दी हो गई, आई वॉज नॉट इवन 23 मेरी शादी हो गई थी। और शादी होने के बाद फिर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, क्योंकि विकास उस टाइम पर पढ़ रहे थे तो तब फिर मेरा जॉब करना ज़रूरी था। तो बहुत कुछ हुआ इस तरह से लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मन में आज भी रहता है कि हाँ मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा एजुकेटेड फील, कुछ भी ऐसा दिखाई देता है ना, आई फील सो गुड। लाइब्रेरी देख के मुझे वही दिन याद आते हैं कि मैं इस लाइब्रेरी में बैठ के इतना पढ़ूँ, इतना पढ़ूँ। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिली एक्चुअली लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। अदवी 8-9 महीने की थी उस टाइम पे, मुझे एक PhD ऑफ़र मिला था बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से, यहाँ से UK से। बट क्योंकि अदवी बहुत बीमार थी और विकास भी उस टाइम पे PhD कर रहे थे, तो मुझे फिर से वो ऑप्शन छोड़ना पड़ा। शायद मैंने अपने इंट्रो वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था, बट खैर लाइफ ने जो दिया उसको एक्सेप्ट किया, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, और खुश हूँ जहाँ हूँ। कहीं ना कहीं कसक रहती है कि हाँ पढ़ाई थोड़ी बीच में रह गई, बट अभी तो उम्र बाकी है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। कभी मौका मिला तो ज़रूर ज़रूर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी, या जो कुछ करने का मन है वो मैं ज़रूर करूँगी। और ये मेरठ का जो है वो छोटी सी क्लिप है मार्केट की, यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद थोड़ा सा मार्केट से कुछ सामान वामान लिया, और इसके बाद हम लोग दीदी की ससुराल पहुंच गए हैं। ये निक्की है, और ये जीजा जी के भैया प्रदीप भाई साहब हैं, और ये हैं मेरे जीजा जी और गांव का घर दीदी का। मेरी जो ससुराल है उसमें जो जानवरों का है वो नीचे रहने का है, फिर पीछे की तरफ इंसानों के रहने का और ऊपर बना हुआ है। दीदी के यहाँ पे वो अलग अलग है, रहने का अलग है, और जो गाय भैंसों का है वो अलग है, वो सामने की तरफ है। तो ये जो है ये पूरा रहने वाला घर
द्वार है। तो इस तरह से जो है वो मेन गेट से एंट्री होती है। और यहाँ पे मौसा जी, हमारे यहाँ जैसे भाई बहन के जो सास ससुर होते हैं उनको मौसा मौसी बोला जाता है, तो मौसा जी का नाम लिखा हुआ था वहाँ पे। और इधर प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये बैठक या फिर इसको लिविंग रूम बोल लें तो सोफा वगैरह इधर ही है। एक इवन एक बेड जो है वो भी यहीं पर डला हुआ है, क्योंकि एसी इसी कमरे में लगा हुआ है। तो अपना ये सब जो है वो इधर ही रहते हैं, क्योंकि दीदी की इस तरह की हालत थी, जो मेरी दीदी की जेठानी है उनकी हालत इस तरह की थी कि वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बट बड़ा शुक्र है भगवान का कि हाँ वो चल फिर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। तो बहुत टाइम के बाद वो थोड़ा ठीक हुई। और ये जितनी भी क्लिप्स हैं ना, ये सब की सब नंदनी ने रिकॉर्ड करी हैं, और इसीलिए कैमरा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर मूव कर रहा है, बट उसने हर चीज़ जो है वो दिखाने की कोशिश करी है। और ये है हमारी मुकेश दीदी, दीदी की जेठानी, और मेरी बहुत पड़ती है एक्चुअली सबसे, क्योंकि मैं बहुत रही हूँ यहाँ पे। हर बार समर वेकेशन में मैं यहीं पर आती थी। आई वॉज जस्ट इन 8th क्लास जब दीदी की शादी हुई, तो 12th तक तो हर समर वेकेशन में मैं दीदी के यहाँ आती थी, तो सबको जानती हूँ और सबको मेरा भी बहुत लाड़ है और मुझे भी सबसे बहुत लाड़ है। ये निक्की मिक्की मिक्की बड़े वाला है, वो दरोगा हो गया है फिलहाल। तो ये सब छोटे छोटे से थे मेरे सामने, तो इनके साथ खेले कूदे, अब सब बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। तो यहाँ पे बस वही नंदनी पूरा घर दिखाने की कोशिश कर रही है, और ईवी जो है वो अपने भैया के पास चली गई है यहाँ पे। और खाना वाना एक्चुअली ये लोग समोसे ले आए थे, जलेबी ले आए थे, तो इतनी स्नैकिंग हो गई तो फिर खाना वगैरह कुछ भी खाने का मन नहीं किया, और बस यहाँ पे बैठ के गप्पे मारे जा रहे हैं। हम लोग दूसरी तरफ चले गए थे, ऊपर चले गए थे एक्चुअली मैं दीदी छत पे, और छत से जो है वो पूरा गांव एक बार देख रहे थे, अंधेरा था तो बच्चे तो गए नहीं। इसके बाद फिर हम लोग आए थे दीदी की नंद के यहाँ, वो भी मेरठ में रहती हैं, एंड शी इज छोटू और वो दीदी की नंद हैं। और छोटू जो है स्पेशली एबल्ड, आई लव हर, तो मुझे उससे मिलने हर बार जाना ही होता है। तो बस यही मिलना जुलना, थोड़ी सी सैडनेस ससुराल से निकलने की, और इसी के साथ बस इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।